हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू JCCB एग्जाम इन्फो। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में देखेंगे रिलेटेड टू जो काउंसलिंग होगा पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल MDS स्टेट कोटा सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ नीट MDS 2021 रिजल्ट के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, ये डेंटल जो MDS का है कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें झारखंड स्टेट के लिए ये अप्लाई होगा और कब से काउंसलिंग जो ये एप्लीकेशन अप्लाई होगा, क्या फ़ी रहेगा, कैसे रिजल्ट दिया जाएगा उसका, वो सब सारा कुछ काउंसलिंग कैसे होगा डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट का PG का जो डेंटल MDS है उसी के आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो जो स्टूडेंट्स MDS नीट का थे 2021 का रिजल्ट दिया था उसके आधार पे है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ नीट MDS 2021 एग्जामिनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर कंडक्टिंग द काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल डेंटल जो है कोर्सेज ऑफ स्टेट कोटा सीट्स हु फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप लोग से एप्लीकेशन यहाँ पे लिया जाएगा, देन आप लोग का काउंसलिंग होगा। और बिना काउंसलिंग से पहले एक बार जान लेना चाहिए कि कितना स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, कितना रैंक आया, तभी जाके आप लोग का काउंसलिंग होगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग से यहाँ पर काउंसलिंग जो है बोर्ड द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग से पहले एक एप्लीकेशन आप लोग से मांगा गया है सबमिशन का। तो एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, तो एप्लीकेशन को भरना है, कौन कौन एलिजिबल है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जितना भी MDS से रिलेटेड जो है एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड BDS एग्जामिनेशन जो है यूनिवर्सिटी या डेंटल कॉलेज ऑफ झारखंड स्टेट, और दोज कैंडिडेट्स हु आर रेसिडेंट ऑफ झारखंड का होना चाहिए, एडमिटेड इन BDS कोर्सेज इन द डेंटल कॉलेजेस ऑफ बिहार इन द सेशन स्टार्टेड फ्रॉम 2000 बिफोर जो है क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट एंड हैव पास्ड BDS में ऑल्सो अप्लाई एज पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्थ रांची डेट दिया हुआ है। दे हैव टू प्रोड्यूस लोकल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का, जैसे CO लेवल का होना चाहिए, सर्कल ऑफिसर, SDO सब डिविजनल ऑफिसर का सिविल, और DC लेवल जो डिप्टी कमिश्नर है उस लेवल का झारखंड स्टेट का होना चाहिए, तब जाके आप लोग यहाँ पे वैलिड होंगे एप्लीकेशन का। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव कम्प्लीट द रोटेटिंग इंटर्नशिप और लाइकली टू कम्प्लीट बाय 31 मार्च 2021, और आप लोग का जो इंटर्नशिप है वो आप लोग का 31 मार्च 2021 तक जो है आप लोग का कम्प्लीट हो जाना चाहिए। और रिजर्वेशन का बात करेंगे तो अप टू डेट रिजर्वेशन पॉलिसी जो रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट झारखंड है विल बी एप्लीकेबल जो अभी लेटेस्ट में है। सर्टिफिकेट इशू बाय एनीवन अदर देन सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ झारखंड स्टेट शैल नॉट बी इंटरटेन। ये तीनों के अलावा अगर कहीं दूसरा जगह का सर्टिफिकेट है तो आप ये आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑफिसर क्लेम, नो अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ऑफिसर क्लेम फॉर कास्ट विल बी इंटरटेन, और अदर कोई सपोर्ट में दीजिएगा तो वो भी आप लोग का यहाँ पे नहीं माना जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय BC1 BC2 कैटेगरी का, तो वो लोग का यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इफ डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर एंड इट शुड बी मैंशन क्लियरली इन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, जो जो BC1 BC2 कैटेगरी के लिए वो लोग का सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो लोग का उसमें मैंशन रहना चाहिए कि ये जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, तब जाके आप लोग का यहाँ पे आरक्षण का जो रिजर्वेशन का है वो लाभ मिलेगा। ठीक है, ऑल सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट आर अवेलेबल अंडर डाउनलोड कॉलम ऑफ द बोर्ड वेबसाइट, जो बोर्ड वेबसाइट है jccb.jharkhand.gov.com का, यहाँ पे डाउनलोड कॉलम में देख सकते हैं या फिर आई बटन में देख सकते हैं। वो वीडियो में सारा कुछ मैंने फॉर्मेट बताया हुआ कि किस फॉर्मेट में झारखंड में एडमिशन होता है सर्टिफिकेट का, वो भी आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा सारा फॉर्मेट, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं JCCB एग्जाम इन्फो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इंसेंटिव मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ झारखंड एज पर नोटिफिकेशन नंबर, ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल ऑफिसर किस टाइप का फॉर्मेट रहेगा वो भी मैं अभी दिखा दूंगा, तो वीडियो में जुड़े रहें आगे तक, लास्ट तक जरूर देखें जो फॉर्मेट किस टाइप का रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 17/11/2021 से, मतलब 17 नवंबर 2021 से लेकर 23 नवंबर 2021 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, डायरेक्ट आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, और jccb.jharkhand.gov.in यहां से भी आपको मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल MDS ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2021 के नाम से, और एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा, एप्लीकेंट्स विल रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी थ्रू पेमेंट गेटवे के माध्यम से, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं।
जनरल EWS BC1 BC2 कैटेगरी का बात करेंगे तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे है फ़ी, और SC ST फीमेल कैटेगरी जो कैंडिडेट्स है ऑल कैटेगरीज का 500 रुपीज़ है। दिव्यांग का यहाँ पे कोई रुपीज़ नहीं है, जीरो फी यहाँ पे चार्जेस है, कोई भी फी नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जो जो फिजिकल हैंडीकैप है ये सब के लिए। उसके बाद है प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड कब, तो 25 नवंबर को पब्लिश किया जाएगा, याद रखिएगा प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट। उसके बाद है किसी को कोई अगर ऑब्जेक्शन होगा तो आप वहाँ पे जो है मेरिट पोजीशन में कहीं लगेगा कि कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो एक फाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर को भेज देना है ईमेल करके controller.jccb@gmail.com विथ सपोर्टिंग पेपर या पेपर्स के साथ 26/11/2021 तक, 26 नवंबर 2021 तक आपको 4 बजे तक फिल करके भेज देना है, मेल कर देना है controller.jccb@gmail.com पे, तब जाके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। बाद में अगर किसी प्रकार का आप चाहते हैं कि नहीं इसको सुधार हो तो कोई भी डेट आपसे सुधार नहीं होगा और उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा 25 नवंबर को जो है आपका प्रोविजनल होगा, उसमें आप चेक कर लेना अच्छे से, कहीं किसी का कोई डाउट है किसी को दिक्कत है तो आप वैलिड जो है पेपर सबमिट कर सकते हैं और भेज सकते हैं 26 नवंबर को 4 बजे तक, ठीक है। और रिवाइज्ड और फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो 27 नवंबर 2021 को जारी किया जाएगा। अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड एंड फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, और जो कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज वो 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच 5 बजे तक आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट जो आएगा चॉइस टू ऑनलाइन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट एज पर 50-point रोस्टर ऑफ झारखंड गवर्नमेंट विल बी इशूड जो होगा 3/12/2021 3 दिसंबर के बाद आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेट रहेगा रूरल का कैसे फॉर्मेट रहेगा MDS वाला तो वो आप देख सकते हैं, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन से आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये था इम्पोर्टेंट MDS PG पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।